हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मीन गार्डनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने घर पे पत्तों से खाद तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पत्तों की खाद तैयार करने के लिए सूखे हुए पत्ते ले लिए हैं। आप इसमें सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ या सूखे हुआ जो भी आपकी कलियाँ हैं कुछ भी ले सकते हैं, या सूखे हुए फूल कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको हाथों से क्रश करना है, ताकि जो आपके पत्ते और टहनियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ी ना रहे, ठीक है। उसके बाद आपको एक इसके लिए एक कट्टा ले लेना है, या फिर आप ग्रो बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास यहाँ पे ग्रो बैग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट्टा ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कट्टे में होल कर देना है, छेद कर देना है। यहाँ से देखिए, मेरे इस कट्टे में ऑलरेडी होल हो रहे हैं, देखिए इस तरीके से, ताकि जो आपकी खाद है उसमें से जो भी लिक्विड रिलीज़ हो जाए इसमें से आसानी से। तो आपको इस कट्टे में ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं इनको भर लेना है, ठीक है। हम उसके बाद इसको, जो कट्टा है उसको बंद कर देना है, और एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो या जहाँ पे आपको स्मेल ना आए, ठीक है। और उसको, उसके बाद आपको इस कट्टे को बिल्कुल टाइटली बांध देना है और शेडी एरिया में रखना है। आप देखेंगे कि जो कंपोस्ट है वो आपकी जो प्रोसेस बनने का तैयार होगा वो समर में ज़्यादा अच्छे से बनेगी। समर में जो ये जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है, और विंटर में जो है ये प्रोसेस धीमा हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी जो कंपोस्ट बनाई है, मेरी ये कंपोस्ट को 7 महीने हो चुके हैं। मैंने इस कंपोस्ट को जो बनाया था वो इसी ग्रो बैग में बनाया था, और मैंने यही सूखी पत्तियों का यूज़ किया था। तो ये जो मेरी कंपोस्ट है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये अभी थोड़ा गीला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो बनी हुई कंपोस्ट है इसके बाद आपको इसको अपने हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेना है। उसके बाद आप इसको छलनी से छान लें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपोस्ट को आपको इस तरीके से छानना ना पड़े, तो आप इसके लिए जो पत्तियां हैं उनको मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड है। और आप चाहते हैं कि आपकी कंपोस्ट और जल्दी बनकर तैयार हो जाए, तो आप इसके लिए डिकम्पोजर का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बॉटल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए, मेरी जो ये बीच वाली खाद है ये बहुत बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, एकदम डार्क कलर की हो जाती है ये। इसका मतलब है कि आपकी जो खाद है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए, मेरी जो ये कंपोस्ट है बिल्कुल एकदम तैयार हो चुकी है, और इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद आपकी खाद को क्या करना है, आपको धूप में सुखा देना है। सूखने के बाद इसको अच्छे से छान लेना है, और जो छनी हुई आपकी जो कंपोस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरी छनी हुई कंपोस्ट और तैयार कंपोस्ट रेडी है बिल्कुल पौधों के लिए। ये देखिए, इसका यूज़ आप अपने पौधों में कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी अपने बैग में टाइट करके या किसी भी डब्बे में रख सकते हैं, और आप इसको समय समय पर अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने घर पे ही किस तरीके से अपने सूखे पत्तों से इतनी अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं जो पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।